सलमान, क्या लगता है तुझे इस बार किसकी गवर्नमेंट बनेगी? मरवाएगा क्या? अगर मैंने बोला मोदी जीतेगा तो लोग बोलेंगे भाई ने मोदी जी के साथ पतंग उड़ाई थी, इसलिए मोदी जी का फेवर ले रहे हैं। और अगर मैंने बोला राहुल गांधी जीतेगा तो बोलेंगे कि भाई ने सस्ता नशा किया है। इसलिए मेरे भाई ऐसे सवाल मत पूछ प्लीज। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए सलमान, बताना तो तुमको पड़ेगा कि आखिर बॉलीवुड के भाई का वोट किसको जाने वाला है, बताओ। आप पूछ ही रहे हो तो बता ही देता हूं, मैं ऐसे आदमी को वोट दूंगा जिसको देख कर लगे कि इसके हाथों में हमारा देश सुरक्षित है और दिल ये कहे यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, समझे? समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। अरे वाह बेटा, मतलब सलमान भाई तुम तो मतलब पतली गली से निकल लिए भाई, और गुरु तुम्हारी बात में दम भी है। कहे कि आजकल एक आदमी का पॉलिटिकल व्यू अगर दूसरे से ना मिले ना तो गुरु लड़ाई हो जाती शुरू, समझ लो। अबे तो तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, अबे पॉलिटिक्स के चक्कर में अपनी रिश्तेदारी दोस्ती यारी खराब ना कर लेना, समझ लो ना। अबे जो नेता लोग हैं, अबे आज लड़ेंगे कल साथ में रहेंगे, समझ लो ना, और इनके चक्कर में गुरु तुम अपने संबंध खराब कर लोगे। कहो हाँ तो काम करो, इलेक्शन के दिन पर जाओ और अपना वोट डालो, और साल भर एक दूसरे को गालियां देने से बचो बे, समझते हो ना। चलो 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 बेटा, वोट डाल के आना, समझते हो ना। हाँ तुम्हारी बात में दम है, हाँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कैसे बताऊं कैसी हैं। कई बार दिल करता है कि बीजेपी को वोट ना दूं, लेकिन ये राहुल मुझे मजबूर कर देता है कि मैं बीजेपी को वोट दूं। हाँ लेकिन ठीक है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, सबकी अपनी होती है, आपकी भी होगी। हाँ लेकिन हाँ एक बात जरूर सच है, मुझे अपने देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे होने वाले दंगे को रोक सके। हाँ नहीं चाहिए और दंगा, हाँ हम बनो हम, हाँ से हिंदू मां से मुसलमान, अरे साथ में रहना है, कोई जाति व्यवस्था नहीं चाहिए, अरे साले आपस में लड़ लड़ के सब पागल हो गए हैं। हाँ तो भाई जो भी नेता प्रधानमंत्री बने देश को ध्यान में रखो। हाँ कंट्रोल होता है कंट्रोल, ये सोशल मीडिया पर जो वार होता है, हाँ एक दूसरे के पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से, ये रुकना चाहिए, अपना वोट जरूर देना। ना ना इट्स ओके, अरे ये मेरे लोग हैं, ये बस प्यार की भाषा समझते हैं। मैं यहां पर बस आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं कि अगर आपके यहां पर इलेक्शन चल रहे हैं या आने वाले हैं तो वोट देने जरूर जाइएगा, अपने हक का इस्तेमाल करिए, अपने मत का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका एक वोट आपकी और इस देश की किस्मत बदल सकता है। तो बोलिएगा नहीं, आपका अपना बोल रहा है, जाइए और वोट जरूर दीजिए। एकदम चुप, कोई साला बीच में नहीं बोलेगा, पहचान लो मेरे को, मैं छ तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान गाय तोंडे, समझा क्या? साला तुम लोग को उंगली करने का बहुत शौक है ना, तो करने का, कह के वोटिंग के दिन ना साला तुम्हारा एक वोट तुम्हारा आखा लाइफ बदल सकता है, जाने का, वरना माँ कसम ठोक देगा तेरे को, समझा क्या? चलता है, मैं कहना अब उनको रोल करने का है, चलता है। क्या बोलूं, सब साले बोल चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अरे अपनी तकदीर को बदलने के लिए साला वोट डालना जरूरी है, जाओ और वोट डालो, वरना सालों साल भर बैठ के एक दूसरे को गाली मत देना, और बाद में मत बोलना रे कि बाबू राव तुमको बोलने को नहीं आया, समझा? इस्तेमाल करो ये साले उंगली, इस्तेमाल करो वोट डालने के लिए, साले गंदा दिमाग। भाई मैं क्या बोलूं, सब तो बोल चुके हैं, अरे तुम लोग बच्चे नहीं हो, अपने वोट का इस्तेमाल करो, वरना कहीं अगर मुगेम्बो गुस्सा हो गया लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे अपनों की किस्मत सुधारनी है, खुद की सुधारनी है, और इस देश की किस्मत सुधारनी है तो एक अच्छा नेता चुन के लाओ, समझे? वरना ये मत कहना कि बाबूजी ने समझाया नहीं, सही मौके पे मेरे जैसा कोई बाबूजी तुम्हें अपनी सिमरन जरूर देगा, समझे?